नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा विषय है कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है वो कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो सूर्य हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। मेष राशि हो या मेष लग्न हो, इनके जन्म के अनुसार से समझ लीजिए कि चंद्रमा जो है वो करीब करीब ढाई दिन तक, दो से ढाई दिन तक एक राशि में रुकता है तो राशि लंबी हो सकती है। लग्न जो है बहुत जल्दी परिवर्तन होती है, एक दिन में करीब करीब 12 लग्न होती हैं, 12 लग्न पूरी क्रॉस कर जाती हैं। और ऐसे में जो लग्न या दोनों, आमतौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि गोचर का प्रेडिक्शन जो हो वो विशेष तौर पर राशि के अनुसार से देखना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि प्रभावी कौन सी चीज़ है, लग्न, चंद्रकुंडली, सूर्य कुंडली या कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी है, उसके अनुसार से भविष्य को देखना चाहिए। तो आपकी राशि मेष है या लग्न मेष है तो दोनों पर मिश्रित तौर पर इस प्रभाव को आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने के योग हैं आपके साथ गोचर के दृष्टिकोण से। तो मेष राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो पंचम के स्वामी हो जाते हैं सूर्य। पंचम बुद्धि का स्थान है, संतान का स्थान है और अभी तक अपने घर में चल रहे थे सूर्य और अब बुद्ध के घर में प्रवेश कर रहे हैं। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव रिपुस्थान माना जाता है। क्षत्रिय भाव, षष्ठ भाव जो है विशेष तौर पर शत्रु का स्थान माना जाता है, रोग का स्थान माना जाता है और कई प्रकार के कष्टों का भाव जो दृष्टिकोण से वहाँ से देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या कुछ करेंगे सूर्य महाराज आपके छठे भाव में जाने के बाद। 17 सितंबर को करीब करीब 1:31 पर ये सूर्य का परिवर्तन होगा और 18 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक करीब करीब 1:30 तक ये सूर्य यहीं पर चलेंगे कन्या राशि के अंदर, बुध की राशि में सूर्य का पदार्पण। वैसे तो बुध और सूर्य का योग बड़ा अच्छा माना जाता है, बुध आदित्य योग विशेष तौर पर बड़ा शुभ माना जाता है और ऐसे में अधिकतर समय तक बुध और सूर्य एक साथ काफ़ी दिन तक का योग भी बन जाएगा जब सूर्य बुध परिवर्तन करके जाएंगे। तो ऐसे में बुध सूर्य का जो षष्ठ भाव में जाना है वो विशेष तौर पर आपको थोड़ा ध्यान रखने के योग समझ में आने चाहिए। जो सूर्य विशेष तौर पर षष्ठ भाव में जाएगा तो एक अच्छी बात बहुत बढ़िया ये करता है कि व्यक्ति को मधुरभाषी बना देता है। आपकी जीवन में इस वक्त सफलता का रहस्य जो है वो मधुर भाषा से ही निकलने वाला है। जितनी आपकी भाषा मधुर होगी, आप समझ लीजिए या आप ये उपाय मान लीजिए या कैसा कर लीजिए, सबसे पहले हम उपाय से ही आरंभ कर रहे हैं। नेगेटिव तो बात करने के फायदा ही नहीं है, कई लोग लिख देते हैं कि नेगेटिव बताने के फायदा ही क्या है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी इस वक्त एक महीने के लिए जो सब सूर्य आपकी कन्या राशि में चलेंगे जब तक, तो मेष राशि वालों को ये समझ लेना चाहिए कि आपकी सफलता की कुंजी कहाँ से निकलने वाली है, आपके मीठी बोली से। तो इस बात को ध्यान रखें, शास्त्र में कहा गया है कि सफलता का एक साधन है वचने का दरिद्रता। जो भी बोले सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात अप्रियम सत्य, तो असत्य बोले बिल्कुल बोले वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीठा जो भी बोले मीठे बोल ही बोलने का प्रयास करें, उससे आपके जीवन में सफलता का रास्ता बनेगा, शत्रु भी समाप्त होंगे और आगे बढ़ने के रास्ते बन सकते हैं। और जहाँ कटुता से आपने उपयोग किया सूर्य का प्रकोप, सूर्य की एग्रेसिवनेस यदि उसका उपयोग करने का प्रयास किया, बाल स्वभाव उपयोग करने का, कहाँ ही कुछ भी बोल दिया, वो चीज़ जो है वो आपके शत्रु बन जाएगी। ऐसे में इस बात को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अन्यथा थोड़े से कष्ट होने के योग बन सकते हैं। और जो विशेष तौर पर उससे आपके जीवन में विजय प्राप्त करने के योग बन सकते हैं और कोई कार्य अटका हुआ है, छोटा मोटा कार्य, सरकारी कार्य अटका हुआ है, उसमें भी गति आने के योग विशेष तौर पर बनते दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी आपको लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन संतान के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, जिसलिए घर के जो संतान है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने रिलेशन उनके साथ अच्छे रखने का आपको बहुत ज़रूरी से प्रयास करना चाहिए, एक बात का और ध्यान रखें। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह दिखाते हैं कि बच्चों के लिए, जो यदि आपके जो बच्चे, जिस विशेष तौर पर अगर छोटा बच्चा है और उसकी राशि ये है घर में छोटे बच्चों की, जिनकी राशि विशेष तौर पर मेष राशि है, उनको पढ़ाई में थोड़ा मन इधर उधर भटकने के योग दिखाई देते हैं, तो पढ़ाई में घेर घोट के बिठा कर प्यार से समझा कर लगाने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो मनो मस्तिष्क में थोड़े फालतू के विचार आ सकते हैं,
छठे भाव में जा रहे हैं सूर्य, और छठे भाव में सूर्य जाने पर मन को भटकाव उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं, बुद्धि को कहीं ना कहीं और ले जा सकते हैं, जाना इस दिशा में था और बुद्धि कहीं इस दिशा में चली जाए। तो जो घर के छोटे बच्चे हैं जिनकी राशि मेष है, उनके लिए इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बच्चों का मन मनोमस्तिष्क भटके नहीं। तो ऐसे में समय भटकाव की तरफ जा रहा है, तो भटकाव से एकाग्रचित करने का आपको उनको प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय सूर्य का जो परिवर्तन है थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो मेष राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। टांगों में दर्द की शिकायत, मस्कुलर वीकनेस, ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और ख़ासतौर पर विशेष तौर पर यूरिन संबंधित समस्याएं जो हो सकती हैं उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुखार इत्यादि, रक्त विकार इत्यादि, ये कुछ डिसीजेज हैं जो विशेष तौर पर सूर्य आमतौर पर जब परिवर्तन के साथ साथ कुछ ना कुछ इसमें कष्ट देने के योग दे सकता है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। सूर्य का छठे भाव में जाना विशेष तौर पर थोड़ा सा मान सम्मान के लिए भी आपको अपनी चीज़ों फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। सूर्य का यह परिवर्तन जो है छठे भाव में हो रहा है, छठा भाव रिपु स्थान है, छठा भाव शत्रु वाला स्थान है, छठा भाव रोग वाला स्थान है, तो ऐसे में ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है ये थोड़ा सा इस भाव से कष्ट देने के योग दे सकता है। और बृहस्पति महाराज पूरी तरह से यहाँ पर आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपके काम आने के बहुत अच्छे योग बन सकते हैं, लेकिन बड़ों का सम्मान विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जितना बड़ों की उपेक्षा करेंगे उतने ज़्यादा कष्ट होने के योग बन सकते हैं, तो बहुत सोच समझकर जो भी कार्य करें उसके अनुसार से काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, कष्ट दूर करने के योग बने। गौ सेवा, गौ सेवा विशेष तौर पर आप करने का प्रयास करें। पालक की गड्डी मिल जाएगी आपको, या मूंग की दाल भिगो दीजिए, मूंग का जो साबुत मूंग है उसको रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह किसी गौशाला में जाकर उसको गाय को खिलवा दीजिए। ये उपाय आप कर बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। अपनी बहन को कोई उपहार दे दीजिए, ये भी एक बहुत सुंदर उपाय है इस वक्त आपके ग्रह को ठीक करने के लिए। बहन को कुछ उपहार देना, उसको प्रसन्न करना, और विशेष तौर पर गऊ को पालक खिलाना, ये बहुत सुंदर उपाय हो सकता है। एक उपाय और बता देते हैं आपको, वो भी करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। बिल्वपत्र भगवान शिव पर अर्पित करना, सूर्य को अर्घ दें, एक बिल्वपत्र पत्ते में डालकर, जल में डालकर, उससे भगवान सूर्य को अर्घ देने से भी इस वक्त सूर्य के ग्रह योग में परिवर्तन आने के योग आपके लिए बन सकते हैं। एक उपाय और नोट कर लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभकारी स्थित हो सकता है। विशेष तौर पर बंदरों को विशेष तौर पर गुड़ डाल दें। बंदरों को थोड़ा सा कहीं बंदर दिखाई दे जाए, किसी जगह दिखाई, आमतौर पर कई बार घरों में बंदर आते रहते हैं, तो गुड़ और चना उनको डाल दीजिए। देखिए उससे आपके ग्रहों को कुछ ना कुछ रास्ता देने में, लाभ देने में रास्ता बन सकता है। और एक और उपाय भी है इस वक्त, वो करने से भी लाभ प्राप्त होगा। श्वान को सुबह सूर्य उदय से पहले, जब थोड़ा सा लाइट हो जाए, सूर्य उदय से पहले का समय हो, जब कुत्ते के लिए कुछ रोटी और दूध यदि डाल दें, अपने घर के बाहर एक प्याला रख लीजिए और सुबह जल्दी उठें और थोड़ा सा उसमें जाके कुछ दूध या एक रोटी, रात डबल रोटी, कुछ भी श्वान के निमित्त वहाँ डाल देने से उस समय में ये सूर्य का अशुभ प्रभाव जो एक महीने के लिए होने वाला है, 17 सितंबर से ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और करीब करीब 18 अक्टूबर तक रात्रि में करीब 1:30 पर ये सूर्य का परिवर्तन होगा। इस समय में इस उपाय को कर आप लाभ ले सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर मसल्स वीकनेस की संबंधित समस्या जो हो सकती है उसमें B12 की थोड़ी कमी हो सकती है, मस्कुलर वीकनेस समस्या हो सकती है, तो उसको ठीक करने का आप प्रयास करें। और दूध इत्यादि का सेवन अच्छे से, थोड़ा बादाम इत्यादि डाल कर थोड़ा कर लीजिए, उससे मस्कुलर वीकनेस, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। ओवरऑल ग्रह जो है रोग कारक कहीं समस्या ना करे, इसके लिए इन सब चीज़ों को सोचते समझते यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा, कष्ट भी दूर करने के योग बन सकते हैं। तो आप समझें कि ग्रह परिवर्तन के साथ साथ कहाँ अच्छा कर रहा है, कहाँ खराब कर रहा है, कहाँ से आपको किस रास्ते चलने के लिए कुछ रास्ता मिलने वाला है, आगे बढ़ने के रास्ते बनने वाले हैं। तो ये सारी बातें हम आपके समक्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से रखते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप तुरंत हमें भेज सकते हैं, उसका निवारण हम आप करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रश्न का निवारण भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।